हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बनाने वाले हैं साउथ इंडियन का फेमस पराठा, वो है लाच्छा पराठा। खाने में बहुत ही मज़ेदार लगता है इस पराठा। बनाना बहुत ही आसान है। इस पराठा को आप घर पे बिना झंझट के आप तैयार कर सकते हैं। तो इसके लिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए और अपना ओपिनियन कमेंट में जरूर बताएं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कटोरी में 2 कप मैदा लें। मैंने यहाँ पे गेहूँ का आटा यूज नहीं किया है, सिर्फ मैदा ही डाला है। इसके अलावा इसमें स्वाद के अनुसार नमक, 2 टीस्पून शक्कर और 2 टेबलस्पून तेल डालें। अच्छे से मैदा के साथ मिक्स कर देते हैं, जिस तरह से मैंने वीडियो में दिखाई है। मिक्स करने के बाद एकदम गुनगुना गरम दूध डाल देते हैं। आप चाहे तो इसमें पानी डाल के भी डो तैयार कर सकते हैं, लेकिन दूध डालने से इसका टेस्ट और क्रिस्पीपन अच्छा आ जाता है। थोड़ा थोड़ा दूध डाल के मैदा को अच्छे से गूंथ लेना है। तो मैंने कम से कम 5 मिनट तक गूंथ लिया है। ऊपर से थोड़ा सा तेल डाल देती हूँ। मैदा को चिकना करके 15 से 20 मिनट के लिए साइड पे छोड़ देंगे। से 20 मिनट के बाद फिर से मैदा को चिकना और मुलायम करके गूंथ लेना है। मैदा को बहुत ही अच्छे से गूंदना है। इस पराठा में जो अच्छा सा लेयर बनता है वो बनाने के लिए तो बहुत ही अच्छे से मैदा को गूंदना पड़ेगा। गूंद लेने के बाद मैदा को एक एक करके रोल करें। तो मैंने यहाँ पे रोल कर लिया है, आप देख सकते हो। अभी हम इसको बेल लेंगे। बेलने से पहले हाथ से और बेलन में और किचन रैक पर थोड़ा सा तेल लगाकर चिकना कर लेते हो। तो अभी हम एक मैदा का डो लिया है, ऊपर से थोड़ा सा तेल डाल देती हूँ। इसको चपाती के रूप में एकदम पतली सी रोल आकार का बेलना है, जितना संभव उतना ही पतला रोल करें। उसके बाद एक चाकू से इस तरह से काट लेना है। उसके बाद फिर से रोल कर लेते हैं। इसी तरह से मैंने बाकी सब तैयार कर लेती हूँ। तैयार करने के बाद ऊपर से 1 चम्मच तेल डालकर दोनों साइड पे लगा देते हैं। बाकी सब डो तैयार करने के बाद 10 से 15 मिनट के लिए वापस इसको ढक के छोड़ देंगे। तो 10 मिनट हो गया है। मैदा को हाथों से इस तरह से करके बेल लेंगे। उसके बाद फिर से बेलन से बेलना है, ज़्यादा पतला नहीं करना है। तो देखिए कितने अच्छे से बनकर तैयार है। अभी हम इसको सेक लेते हैं। तो अभी हम पराठा को सेकने के लिए तवा पे छोड़ देंगे। पहले पराठा का दोनों साइड अच्छे से सेकना है। उसके बाद 1 चम्मच तेल डालकर पराठा को अच्छे से भूनना है। तो देखिए लच्छा पराठा तैयार है, कितने अच्छे से लेयर बनी है। तो अभी हम इसको हाथों से थोड़ा सा कुचल लेते हैं। बहुत ही आसान है इसको बनाना, आप घर पे एक बार जरूर ट्राई करें। इसे आप चिकन करी और सलाद के साथ जमकर खाएं। लच्छा पराठे के साथ सांभर हो जाए तो बात ही कुछ अलग है। मेरे चैनल पे सांभर रेसिपी है, आप देख सकते हो। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें और साथ में कमेंट और शेयर करना भी ना भूलें। और नई नई रेसिपी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।